मैं कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब भी हर साल हम दिवाली पर लक्ष्मी पूजा करते हैं. दिस इज़ समथिंग आई रियली लुक फॉरवर्ड टू डूइंग. और इस साल यहाँ पे सेट पर मैंने पूजा की है तो इस बात की बहुत खुशी है मुझे. आई एम सो एक्साइटेड. बहुत 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 शुभकामनाएं आप सबको, आज तक के सब सारे व्यूअर्स को. हैप्पी दिवाली टू यू. दिवाली में पटाखे और मिठाइयाँ, वेल इन दोनों चीज़ों में से मुझे सिर्फ एक चीज़ का शौक है और वो है मिठाइयाँ. बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हु डजंट लाइक स्वीट्स, कम ऑन एवरीबडी लव स्वीट्स. सो येस, फैमिलीज में हम अपने दोस्तों को सबको स्वीट्स गिफ्ट करते हैं. बट एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ पटाखे मत जलाया करें, क्योंकि इससे बहुत इससे काफ़ी चीज़ें हैं विच इज़ नॉट फर्स्टली बेनिफिशियल फॉर आर एनवायरमेंट. इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट. काफ़ी पोल्यूशन होता है. एंड सेकेंडली, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स, कैट्स, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है. आप देखेंगे दिवाली के दिन जितने भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, वो लोग अलग अलग जगहों पर जाकर छुप जाते हैं एंड गाड़ियों के नीचे जाके छुप जाते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल के पटाखे जितने हो सके प्लीज़ ना जलाएँ. दिवाली पे एक्चुअली बहुत सारे स्वीट्स हैं, बट मुझे लड्डू, जो बूंदी के लड्डू होते हैं, वो बनाना मुझे आता है. सो दैट इज़ समथिंग जो कि हम घर पे प्रिपेयर करते हैं अपनी पूरी फैमिली के लिए, उन सबके साथ, तो बहुत मज़ा आता है. एंड कितने सारे स्वीट्स हैं, इनफैक्ट एक स्वीट से मन नहीं भरता ना, बिकॉज दिवाली पे हमें एक बहाना भी मिल जाता है टू ईट मोर स्वीट्स. सो द मोर द मेरियर. आप सोचिए, आपने जब दिवाली नहीं थी तब कितने पटाखे आप देख चुके हैं शो में. आप देख चुके हैं कि मैं, काव्या, कितना कुछ शो में हो रहा है और कितने कुछ पटाखे और बम मैं भी फोड़ रही हूँ अपनी तरह से. तो अब तो दिवाली आनी बाकी है, तो आप इमेजिन कीजिए कि अब किस लेवल के पटाखे फूटने बाकी हैं. थैंक यू एवरीबडी.